वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। आज हम अनबॉक्सिंग के लिए आपके लिए लेकर आए हैं फास्टर कंपनी का पोर्टेबल स्पीकर है और जिसके अंदर ड्यूल स्पीकर यूज़ किए गए हैं 3 इंचेस के और लुक बहुत ही औसम है। अगर लुक के हवाले से बात की जाए तो इसको 10 out of 10 नंबर मिलने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि प्राइस, लुक और साउंड दोनों बहुत ही ज़बरदस्त है इसके। तो मैंने कहा इसकी अनबॉक्सिंग ज़रूर की जाए और पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप लोगों को लाजमी लेनी चाहिए। फास्टर का है ईको गो 5, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है, पोर्टेबल स्पीकर है, बैटरी की टाइमिंग 3 से 4 घंटे है, ड्यूल स्पीकर्स हैं, 40 वॉट्स RMS का ये सेट है, यानी कि 20 वॉट्स का ये सेट है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और कोई खासियत इसकी है तो मैक्सिमम इन्होंने लिखा है 3000 मैक्सिमम वॉट्स, तो मैक्सिमम तो भाई हम किसी कैलकुलेशन भी नहीं लाते, एक्चुअल वॉट्स इसके 40 वॉट्स आउटपुट है। ओके जी, मेमोरी कार्ड, USB, FM तमाम तरह फीचर्स और फंक्शंस के साथ है। इसको निकाल लेते हैं बाहर। सबसे पहले बता दूं कि इसमें माइक का ऑप्शन भी, आप माइक भी चला सकते हैं, इसके साथ माइक भी आपको मिलेगा। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, ये एक अदर माइक है इसके साथ जो कि वायर माइक है और वायर के साथ कनेक्ट होगा, वायर भी इसके अंदर रखी हुई होगी। निकाल लेते हैं सेट के बाद। अच्छा जी, इसके अंदर से USB की आपको चार्जिंग की केबल निकलती है जो कि 5 वोल्ट है, एंड्रॉयड का चार्जर है, उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। और ऑक्स केबल आपको मिलती है, यानी कि दोनों तरफ से ऑक्स है, 1+1 केबल। ये इसकी माइक की केबल है माइक को कनेक्ट करने के लिए, यानी ये बहुत ही औसम है। ये देखिए इसकी आप लुक देखें, यहाँ पे आपको 2 स्पीकर्स नज़र आ रहे होंगे वाइट कलर के, 3 इंच का स्पीकर 20 वॉट्स 20 वॉट्स। फेस जो है वो इसका ये मेटल है और यहाँ पे इसकी RGB लाइट है, ऑन कर लेते हैं। ये इसकी RGB लाइट है और कलर आप भी चेंज कर रही है, लाइट आप लाइट का ग्लो भी हम चेंज कर सकते हैं, ये स्टाइल है लाइट का। ओके जी, अच्छा ऊपर जो है वो टॉप पे इन्होंने वॉल्यूम दे दिया है और वॉल्यूम के अंदर इन्होंने RGB लाइट दे दी है, ये देख सकते हैं आप वॉल्यूम में इन्होंने RGB लाइट दी है। यहाँ पे इन्होंने छोटी सी इन्होंने एक स्क्रीन दी है जिसके ऊपर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इनपुट कनेक्टिविटी शो कर रहा होता है। सेकंड, यहाँ पे पूरा कंट्रोल आ गया, कंट्रोल में आपको नेक्स्ट रैक, प्रीवियस रैक, प्ले पॉज, मूव, इक्वलाइजर एंड सेकंड साउंड इफेक्ट 1 और रिपीट। USB आपने लगाया हुआ है, रिपीट का बटन दबाने ऑटोमेटिक चलाता रहेगा। अच्छा, बैक साइड पर अगर हम देखेंगे इसके तो यहाँ पे माइक की कनेक्टिविटी है और USB है, मेमोरी कार्ड है एंड सेकंड आपको ऑक्स की कनेक्टिविटी मिल जाती है। वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका टोटल 30 पे जाता है। तो जी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी लुक देख लें आप। और ये इन्होंने एक लेदर का इन्होंने हैंडल दिया है और इसको कैरी करने के लिए यहाँ पे इन्होंने इसको जो है वो बड़ा एक प्लास्टिक का कवर लगाया जिससे इन्होंने बंद किया है, यानी कि ये कहीं पे भी जाएगा नहीं। और लेदर का बेल्ट दिया है इन्होंने, आर्टिफिशियल लेदर है, ओरिजिनल नहीं है लेकिन लेदर है। अच्छा, इसका जो नाम है वो बूम बॉक्स इन्होंने रखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बूम बॉक्स। पूरा ये जो एक्चुअल में जो बूम बॉक्स होते हैं कंपनीज के और साउंड वाले, जैसे कि आजकल चल रहे हैं पोर्टेबल स्पीकर्स होते हैं, बूम बॉक्स होते हैं, पार्टी बॉक्स होते हैं और JBL के इस तरह के बहुत आते हैं, तो ये वही स्टाइल है जो कि JBL वगैरह इंट्रोड्यूस करवाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसकी कॉपी है डिज़ाइनिंग में। तो भाईजान, जब मैं इसका रेट आपको बताया था, रेट इसका जो है वो 6500 रुपीज़ में, 6500 में तो JBL का मैं समझता हूँ वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को अच्छा साउंड लेना है, यही आप देख सकते हैं पीछे इन्होंने यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो दो जो है इन्होंने जालियाँ दी हुई हैं जहाँ से ये अपनी एयर पास करेगा, साउंड अच्छा बनाएगा, बेस भी बनाएगा। और बहुत ही मटेरियल इसका सॉलिड है, यहाँ पे भी रबर के पैड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे भी रबर के पैड्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे रख दें, बूम बॉक्स बना लें, आप चाहें तो उसको ऐसे टावर खड़ा कर दें और चाहें तो आप इसको कैरी करके कहीं पे लेके जाना, ईजीली आप मूव कर सकते हैं। तो वेट भी अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, चीज़ भी अच्छी है। इसका साउंड डेमो ले लेते हैं और साउंड डेमो के बाद छोटा सा एक साउंड का रिव्यू आपको देते हैं। अच्छा, ये इसके फंक्शंस हैं, ये आप देख लें। ये इसका वॉल्यूम आ गया मास्टर और जैसा कि मैंने बताया था 30 पे जा रहा है ये। सेकंड, आप इसमें जो है वो इसमें लाइट सेट कर सकते हैं, इक्वलाइज़र है, ये तमाम तर बटन्स आ गए हैं इसके, फंक्शंस आ गए हैं और मल्टी फ्यूजन लाइट्स है इसमें, मल्टी कलर की लाइट्स है। और ये इसका बैक पैनल आ गया है, तमाम तर फीचर्स फंक्शंस के साथ है और कंपनी इस पर लिखती है 40 वॉट्स RMS फास्टर का ईको गो 5। We'll be right back.
साउंड डेमो हमने इसका ले लिया है, और सेकंड ये कि साउंड अच्छा है और क्लियर साउंड है, बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं कर रहा, चीख नहीं रहा, क्योंकि 6,500 रुपये का सेट है, लेकिन इतना है कि अगर आप कोई पार्टी इंजॉय करना चाहते हैं रूम में, 15x15 के रूम में भी रखना चाहते हैं, या ओपन एरिया में भी अपने घर में रखना चाहते हैं सैन में, बरामदे में, तो आपका या लॉन में रख के आप चलाना चाहते हैं, तो पार्टी पे लेके जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग में लेके जा रहे हैं, पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं, तो ये बेस्ट चीज़ है भाई। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेहतर है, साफ़ सुथरी आवाज़ है। तो वीडियो देखने का आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइस इसका ध्यान रखिएगा 6,500। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।